नमस्कार, मैं विनोद डागा, संचालक डागा एडुकेटर्स। पिछले गत वर्ष से कोरोना के कारण सारे देश में लॉकडाउन था। उस वक्त सारा देश बंद था, हम भी शांत थे, लेकिन अब जब सब अनलॉक के प्रोसेस में हैं, तब प्रशासन ने शादियों पे बंदिश लगा रखी है। कभी शासन का आदेश आता है 50 लोगों की शादी, कभी आता है 20 लोगों की शादी, कभी दिन में शादी, कभी रात में शादी। इससे यह विवाह संस्था से जुड़े हुए मंडप वाले, कैटरिंग वाले, लॉन, मंगल कार्यालय, कलाकार, घोड़ी, डीजे, सारे लोग हम बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि 20 और 50 लोगों की शादी में, घर से शादी में, यह विवाह संस्था से अमरावती जिले में तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। और इनके पीछे जो कामगार है, हमारे पीछे जो कामगार है, ये सारे आज हम जीने मरने का प्रश्न हमारे लिए निर्माण हो चुका है। इसके लिए हम शासन से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि कृपया 500 लोगों की शादी की परवानगी दें। धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं का मैं संघर्ष कृति समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। संघर्ष कृति समिति के बारे में मैं आपको दो मिनट पहले आइडिया दूंगा कि हम बोलते हैं 10 स्क्वायर फीट की पकड़ो। एक आदमी को 10 स्क्वायर फीट की जगह पकड़ के कुछ नहीं, फ्लेक्स के बैनर लगा के हम हमारी मांगे मनवाएंगे। दशहरा मैदान से राजापेट, राजापेट से राजकमल, राजकमल चौक से श्याम चौक, श्याम चौक से जयस्तंभ, मालवीय चौक, इरविन चौक, गला स्कूल चौक होते हैं, कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, हमारा निवेदन देंगे। उसके बाद में हम 7 और 8 तारीख को कलेक्टर ऑफिस के सामने पेंडाल लगा के हम वहाँ बैठेंगे 11 बजे से 5 बजे तक, बगैर कोई नारे लगाए, बगैर कोई शोर शराबा करे। हम चाहते हैं कि हमारी जो भी जायज मांगे, इसका जायज न्याय दें।